संक्रमण बढ़ते ही फिर से मास्क बनाने में जुटी महिलाएं। खबर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए जनपद में 20 महिला स्वयं सहायता समूह सूती कपड़े से दो लेयर वाले मास्क बनाने में जुट गए हैं। प्रत्येक समूह 1000 से लेकर 2500 तक मास्क रोजाना तैयार कर रहा है। कुछ समूह ऑर्डर मिलने पर तो कुछ बिना ऑर्डर के ही मास्क बनाने में जुटे हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि बीते वर्ष भी महिला स्वयं सहायता समूहों से मास्क खरीदे गए थे। रोजाना 2500 से अधिक मास्क तैयार कर रही हैं। हालांकि उन्हें कहीं से एडवांस में ऑर्डर नहीं मिला है। पिछले साल समूह की ओर से तैयार मास्क जिला प्रशासन ने खरीदे थे। एक लेयर वाले सूती और खादी मास्क पर 5 से 6.5 रुपए तक का खर्च आया था। जिला प्रशासन को उन्होंने 8 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से सप्लाई की थी। उन्हें इस बार मास्क 10 रुपए प्रति मास्क मिलने की उम्मीद है।